नमस्कार जी, पंजाब के केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त शूलनी मेले से शूलनी माता मंदिर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुक्रवार से यानी 21 जून से राज्य स्तरीय शूलनी मेले का शुभारंभ हो रहा है और इसको लेकर अब प्रशासन की ओर से, मेला मंदिर कमेटी की ओर से और पूरी तैयारियां इस वक्त कर ली गई है और तैयारियां अब जोरों पर भी है। हालांकि कुछ तैयारियां पूरी हो गई है, कुछ तैयारियां जोरों पर है, तो मंदिर को सजाने का काम इस वक्त यहां पर चला हुआ है। तस्वीरें आप शूलनी मंदिर की देख रहे हैं और बाहर लाइटनिंग का काम आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि शूलनी माता मंदिर को इस वक्त सजाने का काम चला हुआ है। और शूलनी माता मंदिर की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं क्योंकि ऊपर अब रूफिंग भी हो गई है और उससे मंदिर की जो सुंदरता है उसको चार चांद और लगे हैं। तो शूलनी माता मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राज्य स्तरीय शूलनी मेले का आगाज़ 21 जून से होगा। माता की शोभा यात्रा के साथ जब करीब 2 बजे माता अपनी बड़ी बहन दुर्गा माता से मिलने के लिए गंज बाजार दुर्गा माता मंदिर जाएगी तो शोभा यात्रा एक बड़ी यहां पर निकलेगी। और आज जागरण है, मुकेश गुप्ता जी है जानकारी हमें दे रहे हैं कि शूलनी मेले से पूर्व जो जागरण का आयोजन यहां पर होता है वो आज है और जागरण का काफ़ी बड़ा महत्व भी है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने के लिए, माता के दर्शनों के लिए यहां पर मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्य स्तरीय शूलनी मेले का आगाज़ 21 जून से हो रहा है और 21 से 23 जून तक यह मेला चलेगा। माता की शोभा यात्रा के साथ मेले का शुभारंभ होता है। करीब 2 बजे यहां से शोभा यात्रा माता की निकलती है और पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद करीब 11-12 बजे के आसपास माता की शोभा यात्रा गंज बाजार दुर्गा माता मंदिर में पहुँचती है, जहाँ पर माता 3 दिनों तक रहती है और फिर 23 जून को माता वापस अपने मंदिर में लौटेगी और उसके साथ ही मेले का समापन हो जाता है। हालांकि सरकार द्वारा इस साल से इस मेले को राष्ट्रीय स्तर का करने का एक घोषणा की गई थी, लेकिन उसको लेकर अधिसूचना कोई जारी नहीं हुई, तो उसके कारण यह मेला अब राज्य स्तरीय मेला ही इस बार हो रहा है। राज्य स्तरीय मेला 3 दिनों का और जब राष्ट्रीय स्तर का होगा तो शायद 4 या 5 दिनों का यहाँ मेला होगा, लेकिन अब तय नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। तो यही वजह है कि यह मेला अब राज्य स्तरीय ही हो रहा है। तो तस्वीरें हम आपको शूलनी माता मंदिर की भी दिखाएंगे। आज शूलनी माता मंदिर का आशीर्वाद लेने के लिए, माता के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे भी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शूलनी माता मंदिर की लाइन यहाँ पर लंबी लगी है भक्तों की। और आजकल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मेले को के लिए मंदिर को सजाया भी जा रहा है, यहाँ पर काम आजकल चला भी हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जय माता जी। लाइट नहीं आज और विद्युत कट सोलन में अक्सर देखने को मिलते हैं और माता के दर्शन आप हम जागरण के लिए ज्वाला माता जी के ज्योत लेख रूप में लेकर ज्वाला जी से आ रहे हैं। मुकेश गुप्ता जी हमें जानकारी दे रहे हैं जो जागरण आज हैं और ज्वाला माता से ज्योत लाई जा रही है और मुकेश गुप्ता जी भी वहां पर गए हुए हैं। पूरा एक सोलन से काफ़ी लोग ज्वाला माता मंदिर में गए हैं ज्योत लाने के लिए। तो आज जागरण का आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है और उस जागरण का काफ़ी महत्व भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं शूलनी माता मंदिर की। शूलनी माता मंदिर में माता के दर्शनों के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से ही इसी तरह का आज क्योंकि आज निर्जला का एकादशी भी है और पवित्र दिन है, शुभ दिन है और निर्जला एकादशी का आज होने की वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के आशीर्वाद लेने के लिए शूलनी माता मंदिर भी पहुंचे हुए हैं और शूलनी माता मंदिर को
राज्य स्तरीय फिल्मी मेले का जो आगाज 21 जून से हो रहा है, तो उसको लेकर अब मंदिर को सजाया भी जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही दिन पहले माता का गर्भगृह बनकर तैयार हुआ था नवरात्रों से पहले, और लंबा वक्त लगा था, लेकिन अब शानदार गर्भगृह का यहाँ पर निर्माण किया गया। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देखें शूलनी माता की मूर्ति जहाँ पर गर्भगृह में विराजमान है, और माता का आशीर्वाद लेने के लिए आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस वक्त मंदिर में आए हुए हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सभी अपने परिवारों के साथ यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार लोगों का इस वक्त तांता मंदिर में लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि राज्य स्तरीय शूलनी मेले के लिए मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है, और इस बार जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मंदिर काफ़ी आकर्षक भी लग रहा है, और अभी भी काम चला हुआ है, ऐसा नहीं है। और मंदिर को थोड़ा यदि हम देखें तो इस तरफ को थोड़ा बढ़ाया भी गया है ना, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मंदिर को थोड़ा बढ़ाया गया है, और यहाँ पर एक तस्वीरें शूलनी माता मंदिर की, और यहाँ से बाहर के लिए अब एग्जिट जो रास्ता है वो निकाला गया है, क्योंकि यहाँ से अब माता के दर्शन करेंगे तो यहाँ से एग्जिट का रास्ता एक बनाया गया है, हालांकि अभी प्रू नहीं हुआ है। और तस्वीरें यहाँ से होगा एग्जिट यहाँ से, और यहाँ से रेलिंग को निकाला जाएगा तो एग्जिट यहाँ से होगा। माता के जब दर्शन करेंगे तो उसके बाद यहाँ से बाहर के लिए रास्ता निकाला जा रहा है, और मेले तक यह बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि मेले वाले दिन नवरात्रों के दिन यहाँ पर भीड़ ना हो, क्योंकि एक ही रास्ता होने की वजह से कई बार, क्योंकि शूलनी माता मंदिर में लोगों का, श्रद्धालुओं का हमेशा ही तांता लगा रहता है, और एक एग्जिट होने की वजह से भीड़ भी रहती है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो यही वजह है कि प्रशासन ने इस ओर विचार किया कि एक एग्जिट बनाया जाए, उसके लिए अलग से अब रास्ता यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये जो रास्ता इस वक्त बन रहा है, यहाँ से एग्जिट होगा और इस रेलिंग को निकाल दिया जाएगा। यहीं से होगा ना एग्जिट, यहीं से बनेगा ना एग्जिट, और यहीं से ये एग्जिट होगा, क्योंकि जब माता के लोग दर्शन करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे और बाहर, और मेले तक यह रास्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा, हालांकि लगभग तैयार हो गया है, और रंग रोगन का इस वक्त काम चला हुआ है। तस्वीरें आप शूलनी माता के मंदिर की देख रहे हैं। अब की बार माता शूलनी के मंदिर में मार्ग को लाइटों से सजाने का सहयोग भी श्री श्याम परिवार ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग संस्थाएं मेले को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है, तो हम सोलन की सभी संस्थाओं का जो मेले को आकर्षक बनाने में जुटी हुई है, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। शूलनी माता मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिर को काफ़ी बढ़िया तरीके में यहाँ पर सजाया भी गया है, सजाने का काम भी चला हुआ है, और प्रशासन की ओर से इस बार काफ़ी यदि हम मंदिर की बात करें तो मंदिर को काफ़ी आकर्षक और बढ़िया इस वक्त बनाया गया है, क्योंकि रूफिंग भी की गई है, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो लेकिन आप देख सकते हैं कि रूफिंग प्रॉपर की गई है, ताकि लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर लंबी कतार श्रद्धालुओं की लगी हुई है, और भक्तों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए ये यहाँ इस पॉइंट से एग्जिट एक रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु आराम से निकल सके, अदरवाइज एक ही रास्ते से कई बार काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, भीड़ हमेशा लगी रहती थी। तो तस्वीरें शूलनी माता मंदिर की आप देख रहे हैं, और Thank you.
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। पूरन ठाकुर जी। पूरन जी, अब शूलनी माता का मेला भी आ रहा है और मंदिर को सजाया भी जा रहा है काफी बेहतर, और हम देख रहे हैं कि एग्जिट का रास्ता भी बनाया जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियाँ चली? बहुत बढ़िया तैयारी चली जी। इस बार लग रहा है कि प्रशासन ने काफी मेहनत की। हाँ जी, यदि हम देखें क्योंकि मेले में हमेशा एक साइड से रश पड़ेगा, काफी देखने को एक साइड से रश पड़ेगा, एक साइड से निकलते रहेंगे एक साइड से, उससे लोगों को सुविधा होगी। और हम तो छत पड़ गई जी बढ़िया। हाँ जी, क्योंकि बारिश के दिनों में तो जब बरसात का दिन होते तो काफी सुविधा बहुत बढ़िया होगी। ठीक, धन्यवाद। और पूर्ण जी हैं और उनका भी कहना है कि बहुत ज़्यादा सुविधा लोगों को इससे होगी। और आप तस्वीरें शूलनी माता मंदिर की इस वक्त देख रहे हैं और श्रद्धालु की बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। और शूलनी माता मंदिर की आप तस्वीर मैं जानता हूँ नहीं नीचे और तस्वीरें नहीं एक्चुअली ना मेरे को बताया नाम, मैं पहली बात की पहले पूछना पड़ता है जी। हाँ जी, हाँ जी। और तस्वीरें इस वक्त आप पंजाब केसरी टीवी में देख रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप भी शूलनी माता के दर्शन इस वक्त कर सकते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से मेहर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जय नीना कैद जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश गुप्ता जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। शूलनी माता मंदिर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एग्जिट के लिए अब अलग से रास्ता बनाया गया है और थोड़े दिनों में मेले तक यह रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद लोगों को श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा भी होगी। जब माता का आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे यहाँ से निकल सकते हैं, अदरवाइज़ एक ही रास्ता होने की वजह से कई बार श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जब मेला या नवरात्रे होते हैं उस वक्त भीड़ काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलती है मंदिर में, तो उसकी वजह से काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और शूलनी माता मंदिर से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें शूलनी माता मंदिर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मंदिर में क्योंकि राज्य स्तरीय शूलनी मेले का अब शुभारंभ 21 जून से सोलन में हो रहा है, 21 से 23 जून तक का राज्य स्तरीय शूलनी मेला होगा। माता की शोभा यात्रा के साथ मेले का शुभारंभ होगा और मेले की तैयारियों को लेकर अब प्रशासन द्वारा तैयारियां भी की जा रही हैं और यहां पर एक माता के मंदिर में एग्जिट रास्ता भी बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। भीड़ के समय में अक्सर देखने में आता था कि जब भी भीड़ होती थी तो लोगों को एक ही रास्ते से आना जाना पड़ता था, तो उसके कारण काफ़ी असुविधा भी होती थी, लेकिन अब प्रशासन द्वारा एग्जिट रास्ता अलग से बनाया जा रहा है तो उससे सुविधा भी होगी। तो कुल मिलाकर आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि शूलनी माता मंदिर में मेले को लेकर जो तैयारियां हैं वो ज़बरदस्त इस वक्त चली हुई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि माता का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर उमड़े हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।